नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। अब समाचार विस्तार से। वैशाखी पर्व के अवसर पर जटाशंकर गुरुद्वारा में कीर्तन व चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में धर्मशाला जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि वैशाखी पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। सन 1699 में जब गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि एक मार्शल हुकूमत की जरूरत है, तो उन्होंने 14 अप्रैल 1699 में एक शिविर लगाया था और 5 सिखों की मांग की थी और एक खालसा पंथ की रचना की। तब से हर वर्ष हर जगह वैशाख पर्व मनाया जाता है। आज के दिन से फसलों की कटाई शुरू होती है। यहाँ पर कानपुर से भाई भूपेंद्र सिंह कीर्तन कर रहे हैं और एक जांच शिविर लगाया गया है जो कि निःशुल्क जांच कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया, आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में वैसाखी पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। सन 1699 में गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के उपरांत जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देखा कि इस समय एक जिंदा मार्शल कौम की जरूरत है जो मुगल हुकूमत से टक्कर ले सके, तो उन्होंने 14 अप्रैल वैसाखी वाले दिन में 1699 में एक शिविर लगाया था। उसमें उन्होंने दीवान सजाया था, उसमें उन्होंने 5 सिखों की मांग की थी और 5 सिखों को उन्होंने उनका शिष्य काट करके फिर उन्हें भेटा करके फिर अमृत चढ़ा के उनको जिंदा किया और एक सिख पंथ की खालसा के उनको अमृत चढ़ा कर खालसा पंथ की रचना की। तब से हर वर्ष हर जगह जहाँ जहाँ भी सिख हैं वो वैसाख पर्व मनाते हैं, वैसाखी का पर्व मनाते हैं। ये वैसाख के संक्रांत के दिन पड़ता है और ये पंजाब का सामाजिक त्यौहार भी है। उस दिन फसलों की तैयारी होती है, आज से कटाई शुरू होती है, तो इन सब कार्यक्रमों को बहुत भली भांत मनाया जाता है, गुरुद्वारों में मनाया जाता है। तो आज गुरुद्वारा में हमारे जो है सुबह से भजन कीर्तन चल रहा है। इसमें कानपुर से ज्ञानी भूपेंद्र सिंह से भी आए हुए हैं और कोटा से भाई मनमोहन सिंह आए हुए हैं और यहाँ के मोदीपुर के लागी जत्ते अपने लागी जत्ते सब कीर्तन कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर लंगर की सेवा होगी और इसी उपलक्ष में हमने पूर्वांचल में पहले पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर दलजीत सिंह जो कि एम्स से गोल्ड मेडल लेके आए हैं, उनका एक दर्दों के निवारण के लिए एक शिविर लगाया गया है। सुबह से वहाँ काफ़ी संख्या में लोग अपना जांच करवा रहे हैं। ये सब कार्यक्रम यहाँ बड़ी बात चल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको एवं आप सबको वैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई और लख लख बधाइयाँ। जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर।